वीडियो गेम्स। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एड्रेनलिन। और पिछले कुछ सालों में वीडियो गेम्स का क्रेज बहुत ही तेजी से बढ़ा है, और इसका अंदाजा तुम लोग इसी बात से लगा सकते हो कि YouTube पर म्यूजिक और ट्यूटोरियल्स के बाद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कंटेंट भी अराउंड गेमिंग ही है। और इंडिया जैसे देश जहां पर फ्री फायर खेलने वाले यूट्यूबर के सब्सक्राइबर 40 मिलियन से भी ज्यादा हो, उस देश में डेफिनेटली गेमिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम लोग भी रेगुलरली गेमिंग करते हो। तुम एक कैजुअल गेमर हो सकते हो, एक मोबाइल गेमर हो सकते हो, एक पीसी गेमर हो सकते हो, एक ईस्पोर्ट्स गेमर हो सकते हो, या फिर रियल और फेक गेमर। हाँ, ये नया टर्म आया है मार्केट में। गेमिंग को लेकर सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, क्योंकि किसी ने मोबाइल पर गेमिंग करी होती है, किसी ने पीसी पर और किसी ने कंसोल्स पर। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस सबके सेम होते हैं, जैसे किसी अच्छे गेम को खेलने का एक्सपीरियंस जो कि तुम्हें लाइफ टाइम याद रहता है। मतलब तुमने बचपन में वो गेम खेली होती है, लेकिन तुम्हारा ऐसे कनेक्शन से एकदम हो जाता है उससे, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मारियो, रोड रैश, टेम्पल रन, GTA, ऐसे गेम्स जो कि तुम्हें लाइफ टाइम याद रहते हैं। और कुछ गेम्स इतने बुरे और फालतू होते हैं कि सिर्फ 10 मिनट खेलने के बाद तुम उस गेम को ये क्या चूतिया गेम है ये बोलकर अनइंस्टॉल कर देते हो। और इन दोनों गेम्स के बीच में कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो बिल्कुल सिचुएशनशिप वाली फीलिंग देते हैं। मतलब माँ की इतना बवासीर गेम है, मेरा खेले इस गेम को, एक काम कर एक मैच और लगा ले। बेसिकली जितने भी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव गेम्स है सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और आज मैं ऐसे ही गेम्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी फॉर रियल लिटरली, नो कैप, ओनली फैक्ट्स। मैं इस कहानी को सीधा स्टार्ट करूंगा 2015 से। मैंने उससे पहले की अपनी गेमिंग ओरिजिन की पूरी स्टोरी लिखी थी स्क्रिप्ट में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने XP अप होने से मेंटल हेल्थ डाउन होने तक की। लेट्स गो गाइस। बात है 2015 की, जब ना तो मेरे पास स्मार्टफोन था और ना ही PC, लेकिन गेम्स खेलने की चूल हमेशा से बहुत रही है। तो मैं वही बच्चा था भाई जो जाके भैया आपके मोबाइल में गेम है क्या ये बोल के मोबाइल ले लेता था और बाद में उस पर देखता था। मैंने किया है भाई, मैं वही बेसिक टेम्पल रन, सबवे सर्फर्स और कैंडी क्रश जैसे गेम्स खेलता था भैया और दीदी से मोबाइल मांग के। बट 2015 के बाद नेक्स्ट ईयर जियो लॉन्च होता है, जिससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर में किसी के पास भी 4G मोबाइल नहीं था, तो मेरे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। बट मैंने अपने लाइफ के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम उसी टाइम पीरियड पे खेले, और कुछ गेम्स के मैं नाम गिनाना चाहूंगा, स्की सफारी 2, टेम्पल रन OZ, रेप्टाइड GP 2, मॉडर्न कॉम्बैट 4 जीरो आवर, जॉम्बी रोड किल, सामुराई 2 और PPSSPP के गेम्स, ओनली लेजेंड को पता है भाई। भाई साहब सारे के सारे गोटेड गेम्स, और मैंने इन गेम्स के कैंपेन मोड को एटलीस्ट 3 बार खत्म किया सारे गेम्स के, जिसमें भी कैंपेन मोड था। मतलब ये नहीं कि टेम्पल रन OZ में कैंपेन मोड चल रहा है। और मैं बहुत खुश था ऐसे ऑफलाइन गेम्स खेलकर। लेकिन एक दिन किसी ड्रग डीलर की तरह मेरा ये दोस्त, हाँ ये नॉर्मी, मुझे बोलता है भाई ये गेम ट्राई कर, क्लैश ऑफ क्लैंस। भाई ये क्या गेम है, सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, इसमें क्या करना होता है, इसमें तो गन वन भी नहीं है। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसमें ना आपको अपना बेस बनाना पड़ता है और उस बेस को ना अपग्रेड करना रहता है लेवल बाय लेवल, और फिर तू इसमें अपना क्लैन बना के ना क्लैन वॉर्स कर सकता है और तू फाइट कर सकता है भाई दूसरे बेस के साथ। बट ये ऑनलाइन चलता है। बट कमाल की बात ये है कि क्लैश ऑफ क्लैंस साला ऐसा गेम था जो 2G इंटरनेट पे भी चल जाता था, और वो भी स्मूथली। फिर क्या था, मैंने अपनी ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दी और बिल्डर्स को बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाने लगा। लेकिन मेरे को क्या पता था भाई कि असली गुलाम मैं बन चुका हूँ इस गेम का। भाई मैं इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गया था क्लैश ऑफ क्लैंस से कि मैं टाइम नोट करता था बैठ के कि मेरे ट्रूप्स कब रेडी होंगे और मैं कब अटैक करके लूट करूंगा। भाई मैं अपने बेस को सोने नहीं देता था कि कोई मेरे पे अटैक करके भाई मेरे लूट के नहीं ले जाए। मैं पागल हो चुका था भाई। और किसी भी चीज के एडिक्शन से जो प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को होती है वही मेरे साथ होने लगी। मैंने अपने स्लीप शेड्यूल की ऐसी की तैसी कर दी थी और अपने पढ़ाई के बेस के ऊपर लावा लून अटैक करके उसको नस्ता नाबूद कर दिया था। और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा क्रेजी बात यह है कि 2017 के स्टार्टिंग में मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे, और तुम लोग मेरी एडिक्शन का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि एग्जाम के दिन भी भाई वॉर पे अटैक करना जरूरी है। वॉर पे अटैक, ठीक है, वॉर में अटैक होके 3 स्टार नहीं लाया वो गद्दार। भाई मैं लिटरली एग्जाम सेंटर जाने से पहले वॉर में अटैक कर रहा था। क्रेज तो था भाई।
ऑब्वियसली मैं अपने बोर्ड्स के रिजल्ट के बारे में तो तुम लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 200 के बाद कोई और ऐसा नंबर मैं तुम लोगों को दे दूँ जिसपे तुम लोग मेरा मजाक बना सको। एनीवेज, बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे मेरे भैया से एक सेकेंड हैंड 4G मोबाइल मिलता है, जिसपे मैं दबा के COC नहीं खेलता हूँ भाई, क्योंकि अब मुझे 4G मोबाइल मिल गया, अब मेरे पास डाटा है, अब मैं बड़े बड़े गेम्स डाउनलोड करके खेलूंगा भाई। मैंने COC खेलना बंद कर दिया और यूट्यूब पर मैं किस किस तरह के गेम्स खेल सकता हूँ अपने मोबाइल पे सब इंस्टॉल करके खेलना स्टार्ट कर दिया। तुम लोगों को याद होगा भाई, ट्यूटोरियल्स चलते थे GTA Vice City इन 200 MB, GTA San Andreas इन 500 MB, कुछ कुछ लेजिट भी होते थे, काम करते थे। फिर ऐसे भी होते थे भाई टाइटल, GTA San Andreas इन 2 MB। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भोला वाला सा बच्चा था भाई, जिसको ज्यादा PC गेम्स के बारे में नहीं पता था कि PC गेम मोबाइल में नहीं चलते, नहीं चला सकते तुम लोग। इमुलेटर से भी कुछ कुछ गेम्स ही चलते भाई, पुराने एकदम, लेकिन GTA 5 जैसा गेम नहीं चल सकता है। लेकिन एक चैनल था भाई, टेक्निकल गाइज नाम का एक चैनल था, जो कि GTA 5 मोबाइल में चला के दिखा देता था, और मैं बिलीव ही नहीं कर सक रहा था कि मोबाइल में चल नहीं सकता कोई गेम। भाई मोबाइल में तो सब कुछ चलना चाहिए, मोबाइल में भाई लोग यूट्यूबर बन जा रहे हैं मोबाइल से वीडियोस बना के, GTA 5 क्यों नहीं चलेगा। मादर रचित्रो भाई, मेरा बचपन खराब किया बहन के, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भोला वाला बच्चा था। टेक्निकल गाइज, लेट्स कंटिन्यू गाइज। 2017 में मैं बहुत ज्यादा YouTube कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, और मैं कैरी इज लाइव भी देखता था भाई, उस पर गेम्स देखता था, और तभी एक गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स। और भाई मैं कैरी और अदर स्ट्रीमर्स की लाइव स्ट्रीम देखता था बैठ के, कि एक दिन मैं भी ऐसा गेम खेलूंगा। भाई ये क्या क्रेजी गेम है, जिसमें 100 लोग एक आइलैंड पे उतर रहे, एक दूसरे को मार रहे, भाई क्रेजी, और लास्ट में जो बच रहा है उसको चिकन डिनर मिल रहा है। मैं नहीं खाता चिकन। मैं कैरी और अदर स्ट्रीमर्स के गेम्स देखते हुए ऐसा सोचता था, एक दिन मैं भी ऐसा गेम खेलूंगा, पैंचो, एक दिन मैं भी ऐसे हवा में उड़ते हुए बंदे को बैंचो स्नाइपर से हेडशॉट मारते हुए चाको टाको बन जाऊंगा, चाको टाको, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट। पबजी PC के पॉपुलर होने के बाद एंड्रॉयड मोबाइल्स पर एक गेम लॉन्च होता है, रूल्स ऑफ सर्वाइवल, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट पबजी का था, लाइक लिटरली पबजी फॉर मोबाइल। और नो जोक भाई, मोबाइल पर वैसा गेम खेलने के बाद मेरे को ऑर्गेजम आ गया था, लाइक मोबाइल पे ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई, मैंने पबजी जैसा कुछ मोबाइल पे खेल लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर ये पॉसिबल है तो GTA 5 भी चलना चाहिए मोबाइल पे, रचित्रो मादर। उस टाइम के हिसाब से रूल्स ऑफ सर्वाइवल एक बहुत हेवी गेम था, और मेरा चूतिया सा एंड्रॉइड मोबाइल भाई उतने हेवी गेम को एकदम लोएस्ट सेटिंग में चलाता था, और मैं उसी में खेलता था। लेकिन मुझे एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया था अपने डिवाइस के कारण, वो डिवाइस इतना चूतिया था कि वो गेम में ग्रास को रेंडर ही नहीं करता था, मुझे नो ग्रास हैक मिला हुआ था भाई, बिना हैक लगाए। मैंने रूल्स ऑफ सर्वाइवल अपने सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड कर दिया, मैंने बोला भाई ये देख, ये पबजी PC जैसा गेम है भाई, मोबाइल पे आ चुका है, एकदम क्रेजी गेम है, खेल के देख। और उनका भाई रिएक्शन ऐसे, भाई 800 MB का गेम, 800 MB का मोबाइल पे मैं नहीं खेल सकता भाई, मेरा फोन लैग हो जाएगा भाई, मेरा फोन खराब हो जाएगा तेरे गेम के कारण। मेरा कोई फ्रेंड राजी नहीं हुआ भाई उस गेम को खेलने के लिए, मैं अकेले वो गेम खेलता था, और मुझे जितने भी लोग टीम में मिलते थे भाई, तुम लोगों को मैड रिस्पेक्ट, तुम लोगों रियल गेमर भाई जो ऐसे गेम्स खेलते हो। 2017 के एंड में ऐसे रूमर्स आने लगे थे कि पबजी मोबाइल भी आने वाला है, और पबजी मोबाइल लिटरली आया। मैंने पहले उसका अनरिलीज वर्जन खेला था, जो कि चाइनीज में था, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रूल्स ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा बेटर था पबजी से स्टार्टिंग टाइम में, मतलब बस अपने स्टार्टिंग टाइम में। और मैंने पबजी लॉन्च होने के बाद भी उसको बिल्कुल नहीं खेला, क्योंकि उसके ग्राफिक्स बड़े बेकार थे, मैकेनिक्स भी बेकार थे, और यही रूल्स ऑफ सर्वाइवल के मैकेनिक्स और ग्राफिक पबजी से बहुत ज्यादा बेटर थे। लेकिन धीरे धीरे पबजी मोबाइल का क्रेज बढ़ने लगा, लोग भाई पबजी मोबाइल खेलने लगे, और अगर तुम पबजी मोबाइल नहीं खेलते थे ना, तो तुम भाई अछूत हो जाते थे। और यही प्रियर प्रेशर के कारण मेरे को भी पबजी मोबाइल खेलना पड़ा, और धीरे धीरे अपडेट्स के बाद पबजी मोबाइल बेटर होने लग गया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ये पबजी वाला है। अब पबजी मोबाइल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि स्कूल के लंच टाइम में भी हम लोग भाई चार दोस्त मिलके पबजी का मैच खेलते थे। लंच हो गया भाई, जल्दी मैच लगाओ, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मैच कर लेते पबजी का। बट मेरी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि मेरा वो सड़ा सा मोबाइल भाई खराब हो गया, और मुझे घर वालों ने बोल दिया कि अब तुझे नया फोन 12th के बोर्ड के बाद ही मिलेगा। और फिर से वही सर्कल जहां पर मैं भैया दीदी से मोबाइल मांग मांग के पबजी खेलता था, और भाई लिटरली बहुत झगड़े हुए भाई इसके कारण घर में, इसको इसका फ़ोन दिला के साइड करो, मैं नहीं दूंगा अपना फ़ोन भाई इसको पबजी खेलने के लिए।
फिर इधर मेरे एग्जाम खत्म होते हैं, उधर मेरे हाथ में नया मोबाइल आता है, और भाई मोबाइल हाथ में आने के बाद मैं पबजी ग्राइंड करना स्टार्ट कर देता हूँ और सोच लेता हूँ अब तो मेरे को एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। भाई क्या मतलब, उस टाइम पे सभी को बनना था, और क्या मतलब भाई कि एक मोबाइल का चूतिया सा गेम खेल के तुम एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकते हो। कॉन्करर रैंक है मेरा, 1v1 कर ले, भिड़ ले, बूम खच बुइया कर दूंगा हम पबजी वाले। और भाई ये पबजी मोबाइल ने ही अपने देश के यूथ को ये सिखाया कि गेमिंग भी एक करियर हो सकता है। या तो ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनूंगा या तो भाई एक गेमिंग यूट्यूबर बनूंगा। मम्मी मेरे को पीसी चाहिए, मेरे को एक गेमिंग यूट्यूबर बनना है पापा। भाई नो जोक, मैं भी सपने देखता था कि मैं भी एक दिन गेमिंग यूट्यूबर बनूंगा। तो क्या हुआ भाई, मेरे पास एक चाइनीज फोन है और जियो का सिम है जिसमें 200 की पिंग आती है, मैं उससे लाइव स्ट्रीमिंग कर लूंगा और उससे भाई सुपर चैट के पैसे से पोको F1 खरीदूंगा। पीक बिजनेस। मैंने कभी पबजी के अराउंड कंटेंट तो नहीं बनाया, लेकिन फाइव फिंगर क्लॉक है भाई, गेम प्लेस तो बहुत रिकॉर्ड की है। फिर 2020 में पबजी मोबाइल बैन हो गया, जिससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2020 वही ईयर है जब मेरे पास पहली बार अपना खुद का लैपटॉप आता है। और जैसे सबको उनका खुद का पहला गेमिंग पीसी या लैपटॉप मिलता है, वैसे ही मतलब पापा जी पढ़ाई वास्ते मिनिमम 8GB रैम ते i5 प्रोसेसर और 1650 ग्राफिक कार्ड जरूरी होंदा, तुसी समझदे नहीं पे हो। लैपटॉप मिलते ही मैंने सबसे पहले अपने नॉस्टैल्जिया को रिविजिट किया, मतलब GTA Vice City और सन एंड्रियास जैसे गेम्स खेले, लेकिन मेरे को कुछ मल्टीप्लेयर खेलना था भाई, बैटल रॉयल जैसा थोड़ा सा। तभी शुभम भाई ने मुझे बोला कि मार्केट में एक नया गेम आया है जिसको सारे स्ट्रीमर और गेमर्स खेल रहे हैं, बिल्कुल CS:GO की तरह है, वैलोरेंट, वो इंस्टॉल कर ले। शुभम भाई मेरी गांड मारने में तेरा भी हाथ रहा है मतलब। और बिना किसी डाउट के ये चीज मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ कि भाई वैलोरेंट इंस्टॉल करना मेरी लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक में से एक है। फर्स्ट में आई गेस अभी भी कीर्ति, मैंने वैलोरेंट इंस्टॉल कर लिया और लिटरली एक नूब जिसको पीसी गेमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसने सबसे पहला गेम जो इंस्टॉल किया वैलोरेंट। चूतिया भाई, गेम के स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, स्पाइक कहाँ है, कौन प्लांट कर रहा है, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, डिफ्यूज कैसे करना है, मैं बस बंदे दिखे फायर करना, मेरे को बस इतना पता था और मैं ऐसे ही गेम को खेलता था। और इस चक्कर में भाई मैंने लोगों से इतनी गालियां सुनी है गेम में, इतना भाई लोगों ने मेरे को डांटा है भाई, वो अजीब अजीब से टर्म यूज करते थे, एल्बो मार्केट, अल्ट एक्स दबा, भाई एक्स दबा रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है भाई मेरे कैरेक्टर के साथ, मैं इतना नूब था गेम में। इस चक्कर में मेरे को भाई बुली किया गया, भाई आयरन लॉबी में बुली हुआ हूँ मैं। वैलोरेंट में ऐसा नहीं है कि पबजी के ऑल की तरह भाई मदर 5 सेकंड का गाली दिया और गायब, वो तुम्हारी माँ बहन सब तोल के रख देंगे, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी पीसी, तुम्हारा कीबोर्ड, तुम्हारा माउस सब खराब हो जाए भाई। मैंने यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस देखी कि एम बेटर कैसे करना है, किस कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है, एबिलिटीज को यूज कैसे करना है, लाइनअप्स क्या होते हैं, भाई मैंने सब रगड़ के देख लिया। और उसके बाद मैं सिर्फ रेंज में 2 से 3 घंटे रोज बिताने लगा एम बेटर करने के लिए, कि मैं अभी भाई वन टैप मारूंगा वैंडल से, शेरिफ से वन टैप कर दूंगा भाई, सॉरी शेरिफ नहीं, डीगल भाई, डीगल। मैं रोज के भाई लगभग 5-6 घंटे कम ही बोल रहा हूँ भाई, 5-6 घंटे से ज्यादा भाई वैलोरेंट खेलता था, रात में वैलोरेंट, दोपहर में वैलोरेंट, जब टाइम मिले तब वैलोरेंट। बट मेरा रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा था, आयरन से ब्रोंज में पहुंचा बस, मेरा रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा है। फिर मेरे को समझ में आया सिर्फ इतना से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो ई-स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ना उनका हार्डवेयर भी अच्छा होता है, और मेरे पास क्या है भाई हार्डवेयर में, मोबाइल डाटा, लैपटॉप, सस्ता सा चाइनीज माउस और कीबोर्ड। माउस, कीबोर्ड और इंटरनेट अपग्रेड करने के बाद मैं फिर से लग गया रैंक ग्राइंड करने पे, और इस बार मेरी रैंक धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अब मैं हर मैच में टॉप फ्रैग करने लगा हूँ, अब मैं रेना मेन बन चुका हूँ, अब मैं किलजॉय मेन खेल के लाइनअप्स कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अब टॉप फ्रैग करने के बाद भी अगर गेम हार रहा हूँ, तो इसमें गलती तो ऑब्वियसली भाई मेरे टीममेट्स की है, मेरे इतने चूतिया टीममेट्स क्यों होते हैं भाई। और इसी कारण मुझे गेम्स में भाई गुस्सा आने लगा, मैं होने लगा टॉक्सिक। वैलोरेंट में भाई टीममेट्स बड़े अजीब होते हैं, और कुछ प्लेयर इतने नीच होते हैं, सेल्फ सैबोटाज करने लगते हैं, टीम को सैबोटाज करने लग रहे हैं, या तो थ्रो करने लगेंगे भाई। और अगर तुम उनको रिपोर्ट कर रहे हो ना, तो रिपोर्ट से घंटा कुछ नहीं होने वाला भाई, ये लोग कभी बैन होते तो है नहीं, और अगर तुम गेम लीव कर दो AFK वार्निंग, 3 दिन का बैन। घटिया टीममेट्स, ग्लिचेस और स्मर्फ इस गेम को भाई इतना ज्यादा टॉक्सिक बना देते ना, ऊपर से भाई मुंबई सर्वर बिना बात के गाली गलौच होती है। मैं इतना ज्यादा गुस्सा और टॉक्सिक होने लगा था इस गेम पे, मैं भी लिटरली बाप भाई माँ बहन सब कर देता था, लिटरली बाप भाई भी करता था भाई।
मादर फिनिक्स उस रात तेरे बाप को नहीं पता होता ना, तेरे से चूतिया औलाद पैदा नहीं होता बहुत के बकचोदी का। अबे लॉजिकल गाली देता, तेरे से चूतिया पैदा होता क्या? गेम्स खेलने का जो सोल रीजन होता था कि भाई अपना स्ट्रेस रिलीज करना है, कुछ आरामदायक खेलना है, कुछ मजेदार करना है, टीममेट्स के साथ बकेती करनी है, वैलोरेंट में वो सब कुछ नहीं हो पाता है। अगर तुम रैंक गेम खेल रहे हो मतलब तुम फ्रस्ट्रेशन ही निकालोगे गेम पे अपना। और अगर तुम सोचोगे नहीं भाई चिल करते हैं अनरैंक खेलते हैं, और अनरैंक तुम खेलोगे ना, अनरैंक में इतने कमीने लोग आते हैं भाई, वो अटैक कर लेंगे और डिफेंड का जब टाइम आएगा तो गेम भाई सरेंडर करके निकल जाएंगे। कुछ नहीं रखा अनरैंक में, अगर खेलना है तो रैंक मैच होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। और रैंक मैच होगा तो भाई तुम गुस्सा करोगे गेम पे, तुम्हारा भी एक ऐसा चूतिया दोस्त होगा भाई जो व्हाट्सएप पे सिर्फ तुमको यही मैसेज करता होगा, आ जा रोज रात में आ जा। और तुम सोचते होगे, तुमको पता है तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन होने वाला है, फिर भी तुम वो गेम खेलोगे क्योंकि भाई चलो चिल करके देखेंगे, अगर जीत गए तो अच्छा, अगर नहीं जीते तो एक और लगा। जब तक नहीं जीतेंगे तब तक नहीं निकलेंगे भाई, ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। वैलोरेंट फन गेम है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल मजे आते हैं भाई जब अगर तुम दोस्त के साथ फाइव स्टैकिंग कर रहे हो, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से नहीं भाई, मैं तो नहीं खेल सकता हूँ उसको कैजुअली। और एक पॉइंट पे ये बात भाई समझना पड़ेगा हमको, हम लोग ईस्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है भाई, रैंक अप करने का इवेंचुअली कोई मतलब नहीं बन रहा है, बस तुम्हारी स्किल इंप्रूव होती हुई तुम्हें अच्छा लगता है गेम में देख के, बट इन दी एंड कुछ मैटर नहीं करता है। गेम तुमको मजे के लिए ही खेलना था बट अब तुम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होके खेल रहे हो, आई डोंट नो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, बट छोड़ दिया मैंने इवेंचुअली वैलोरेंट खेलना छोड़ दिया पूरी तरीके से। लास्ट मैंने 2023 में नवंबर में खेला होगा तो 7 months क्लीन। और जिनको भी जानना है मैंने गोल्ड 3 पीक किया था क्योंकि भाई मेरे पास हिम्मत नहीं बची थी भाई प्लेट तक के लिए, क्योंकि मेरे टीममेट्स चूतिया होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव गेम्स ने मेरे स्लीप शेड्यूल की और मेंटल हेल्थ की माँ चोत के रख दी बड़े आराम से। और भी बातें हो सकती है गेम्स के अराउंड, लेकिन आई गेस अभी तक 8 मिनट की वीडियो बन चुकी होगी, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे न्यू कोर्स दी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में तो यहाँ जो वीडियो रेकमेंड हो रही है इस पर क्लिक करो, इसे देखो और मेरा नया कोर्स बाय करो, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, मैं चला इमुलेटर पे फ्री फायर खेलने। थंग खच बुया।